So good morning to you. So I hope all of you are fine and enjoying your study. Okay. So आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि सबने आज क्या रंगोली उंगोली बनाई है और अलग अलग नाम लिखे हैं ना. So yesterday's topic we are familiar with what herbs, shrubs and trees. Okay. Why we are called as the herbs, shrubs and tree. Okay. So today we are discussing about what parts of plants. Okay, parts of plants. So you compare with the parts of plants and you. Okay, जैसे we are taking oxygen with our nostrils, our nose. Okay, we are taking food, inject and digest their foods. Okay, means अब देखो कि similarly plants के भी जो अलग अलग जो ये है ना, अवर हैंड इज कमिंग आउट दैट. ओके, इसके बाद में एक जो लेसन है उसमें पढ़ेंगे अपन बॉडी मूवमेंट में. ओके, सो प्लांट्स हैविंग, प्लांट किस तरीके से ग्राउंड के ऊपर में इरेक्ट होता है ना, स्टैंड होता है, उसके अंदर में क्या होता है, ग्राउंड के अंदर में और कितना पार्ट होता है. सो ये सब चीजों के बारे में क्या करेंगे अपन डिस्कस करने वाले. ठीक है, सो जैसे आपने किसी प्लांट को अगर आपने वी आर पुल आउट एनी प्लांट. ओके, सो यू ऑब्जर्विंग दैट दीज प्लांट्स हैव टेकिंग मोर एनर्जी टू अपरूटिंग दैट. ओके, है ना, उसको खींचने के लिए क्या लगता है अपने को, बहुत ज्यादा ताकत लगती है. सो व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इज द रूट सिस्टम. ओके, अब देखो दिस इज व्हाट ग्राउंड दिख रहा है, देखो दिस इज व्हाट ग्राउंड. ओके, दिस इज व्हाट ग्राउंड. ओके, सो below that ground there is the numbers of roots. Okay, and these roots are, okay, and these roots are spreading and they are gripping. Okay, वो एक तरीके से क्या करते हैं, उसको tie up करके रखते हैं इस complete पेड़ को. So you observing that बहुत ज्यादा तेज आंधी या तूफान आती है ना, हवा आती है, तब भी वो पेड़ क्या होते हैं कि they are standing. But जिस पेड़ की those plants are trees having roots very weak, so they will get shorted. Okay, है ना, they will get fall down. है ना, वो क्या हो जाते कि fall down हो जाते हैं. ठीक है, so this is what जो ground portion में जो portion है. Okay, the parts of plant which are under the ground, it is known as root, and this complete known as root system. Okay, so this is known as root system. Okay, so above the ground this complete part is known as shoot system. Okay, shoot system. देखो, see here, जो भी ग्राउंड के नीचे में जो बिलो पार्ट है इट इज नोन इज वॉट रूट सिस्टम, एंड अबो द ग्राउंड इट्स नोन इज वॉट शूट सिस्टम. एंड शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन बाय वन देखेंगे अपन. ओके, सो अगेन वी आर ऑब्जर्विंग दैट जो भी प्लांट्स होते हैं जो रूट आउट नहीं हो जाते हैं ना, बाहर नहीं निकल पाते, दे आर ग्रीपिंग देयर रूट्स कंप्लीटली, होल्ड देयर कंप्लीट प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दिस इज द रूट. ओके, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस एंड मोर. ओके, सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट, सो द अंडरग्राउंड पार्ट इज क्रीमी शार्प पेल इन कलर, इट इज अ रूट ऑफ द प्लांट. ओके, so this is what underground plant system and it is known as what root system. Okay, so it fixes the plant in soil. Okay, ab iska kya hai root system ka, it fixes the plant in soil. Okay, soil, the root has a main root going deep in the soil. Okay, ab ye root hai ye kya hoti hai, mainly deep. Okay, ne both they are penetrating under. Okay, and they tie up. Okay, so the root has main root going deep in the soil and from it many small side branches arises. Okay, so aapne kabhi plants ko khod ke dekha hoga, we are digging out that and we are observing that this is what fibrous root system, adventitious root system and so on. Okay, so these are number of branches there. Okay, so arises, they provide extra anchorage to the plant in the soil. That's why
यू कैन नॉट इजीली पुल आउट. ओके, वो क्या करते हैं, एंकर, एंकर यानी क्या करते हैं, उसको इस तरीके से उससे बांध के रखते हैं. ओके, दे रूट सिस्टम गिव द सपोर्ट टू प्लांट्स एंड दे आर टायर्ड. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट अबोव द सॉइल इज जनरली ग्रीन. ओके, अब देखो, सो दिस इज पार्ट. ओके, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट है, जब छोटे छोटे जब होते हैं इन द नर्सरी, दीज आर ग्रीन इन कलर. ओके, कंप्लीटली क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है. ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज फॉर स्टेम. ओके, एंड दिस इज व्हाट, ग्रीन इन कलर. द पार्ट ऑफ द प्लांट अबोव द सॉइल इज जनरली ग्रीन and it is erect and is called as the stem. Okay, and this part is known as what, stem. Okay, this part is known as was stem. So next there is the sum of the leaves. Okay, hai na, leaves kya karte hai na, the plants having the numbers of leaves and functions of leaves, iske baad mein dekhenge apan. Okay, so leaves, the stem bears the leaves at an interval and each leaf arises at a particular point on each stem. This point on the stem where a leaf arises is a node. Okay. अब देखो, अभी leaves जो है ये क्या नाम होती है, यहां से arises हो रही है. ठीक है, leaves are arises there. Okay, and these leaves and this place is known as what, node. Okay, node से क्या होती है कि leaves निकलती है. ठीक है, सो एंड द पार्ट ऑफ द स्टेम इन बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स. ओके, अब देखो, ये एक नोड हो गया आपका, एंड अनदर नोड हियर. ओके, हियर इज फ्रॉम द अनदर लीव्स इज. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस. ओके, दिस इज द डिस्टेंस एंड इट इज नोन इज व्हाट, इंटर नोड. ओके, दो नोड्स के बीच का जो ये है स्पेस है, एंड दैट स्पेस इज नोन इज व्हाट, इंटर नोड. ओके, सो दिस इज नोन एज वॉट, इंटर नोड. सो नेक्स्ट इज वी टेकन अबाउट रूट, स्टेम, नोड, इंटर नोड एंड लीव्स. ओके, सो नाउ फ्रूट्स एंड फ्लावर. ओके, सो आफ्टर द मैच्युरेशन ऑफ द प्लांट्स, ओके, दे विल अपियर इन द फ्लावर ऑन द सम स्पेशल सीजन. ओके, बिफोर बियरिंग द फ्रूट्स. ओके, एंड आफ्टर दैट फ्लावर्स विल गेट मैच्योर. ओके, जैसे आपने देखा होगा इन द व्हाट, मैंगो सीजन. ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, सो मैंगो विल गेट व्हाट, फ्लावर. ओके, एंड दिस फ्लावर विल टर्न टू फूड. ओके, ग्रेजुअली, एंड इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मे, जून, वी आर एंजॉइंग द मैंगोज. ओके, सो लाइक वाइज दीज आर appearing in that. Okay, so this is about what, root system and shoot system. Okay, so root system and shoot system. The root system consists of the roots, while the shoot system consists of the what? Ab dekho, the root system consists of only the root here. Okay, but shoot systems consist of what? Stem, node, leaves, internode, fruit and flower. Okay, so these are under what? Shoot system. Okay, the shoot system also bears the flower and seeds. So after that, these fruits will completely mature and reap out. So after that, in that fruit, there is consist of again what? Seeds. Okay. ना, जैसे आम में क्या होती है, गुठली होती है, नीम में भी उसकी जो ये होते हैं ना, शीट्स होते हैं. पोमोग्रेट्स, दे हैविंग द शीट्स, ऑरेंजेस, दे हैविंग द सीड्स. ओके, सो एंड फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स विच कंप्राइजेस द रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, सो व्हाट हियर, सो दिस द फ्लावर, दिस इज फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, जैसे एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, इसमें है ना एंथर एंड स्टैमेन. ओके, सो इसके बाद में देखेंगे अपन. ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ओके, सो नेक्स्ट है अब रूट सिस्टम, है ना.
अब रूट सिस्टम में देखेंगे द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी विच इज फिक्स्ड टू द सॉइल इज कॉल्ड इज द रूट सिस्टम. ओके है ना, रूट सिस्टम क्या है, द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच फिक्सेस टू द सॉइल इज कॉल्ड इज अ रूट सिस्टम. ओके, रूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम इन सर्टन प्लांट्स लाइक मस्टर्ड. ओके, मस्टर्ड टी बैल्सम तुलसी मैरीगोल्ड्स रोज एंड इज कंसिस्ट ऑफ द व्हाट, टैप रूट सिस्टम. ओके, टैप रूट सिस्टम. अब इसकी जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टैप रूट्स मींस दैट जैसे दिस इज व्हाट प्लांट एंड दिस रूट्स आर लाइक दैट, है ना. सो जस्ट सिंपली ओके यू ऑल्सो ऑब्जर्विंग द रूट ऑफ द मेज. ओके, भुट्टे की आप अगर रूट देखेंगे so this is also what that, so this is known as what, taproot system. Okay, so the tap neem and the root system consists of the main root called as the taproot system. Okay, this is known as what, taproot system. Next, the taproot grows vertically down into the soil and then gives out the smaller branches. Okay, अभी टैपरूट में क्या होती है कि वर्टिकली डाउनलोड होते हैं, ठीक है, एंड दे गिविंग आउट द ब्रांचेस इनसाइड द अर्थ. ओके, सो दीज स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड एज द लैटरल रूट. ओके, अब देखो दिस इज व्हाट टैपरूट सिस्टम में क्या होगा, सो व्हाट हैपन्स इन द टैपरूट सिस्टम, सपोज दिस इज व्हाट सेम. Okay, then this is going now. Okay, it's a main. Okay, and this is again what, numbers of branches, and this is known as what, lateral root system. Lateral root system, and this is what known as taproot system. Taproot system. Okay, so these are about what, roots. Okay, and in some plants like wheat, maize, sugarcane. एंड बनाना देर इज अ नो मेन रूट. ओके, अब इसमें क्या होती है कि कोई मेन रूट नहीं होती. ओके, सो यू नो दैट इन द व्हाट, जैसे भुट्टे का पेड़ है ना, सो यू ऑब्जर्विंग दैट हियर इज इस तरीके से क्या होता है, इन दिस वे दिस रूट्स. ओके, सो एंड अगेन व्हाट, व्हीट है ना, मेज एंड बनाना एंड सो ऑन, अ नंबर ऑफ रूट्स अराइजेस इन क्लस्टर बिलो द स्टेम. ओके, अब जो स्टेम है यहां पे क्या होता है, कंप्लीट क्लस्टर होता है. ओके, दिस इज द क्लस्टर एंड क्लस्टर ऑफ स्प्रेड एंड स्प्रेड आउट इन द सॉइल, सच अ रूट्स आर कॉल्ड एज द फाइब्रस रूट सिस्टम. ओके, एंड सच अ रूट्स इज नोन एज व्हाट, फाइब्रस रूट सिस्टम. इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम. Okay, so this is known as what, fibrous root system. Okay, so now we are talking about what, functions. So what are the functions of the roots? Okay, so you assuming that, or you think about that, what is the root functions of the root? Because plants or tree require water, nutrients, food. Okay, so they all the things will suck. Okay, and then they are taking from the grounds or earth with the help of the roots. Okay, the root picks the plant. और उसके बाद में क्या करते हैं, the जो root जो है ना, so they are, I earlier told you कि बड़े-बड़े पेड़ जो होते हैं, है ना, जब भी storm आती है या winds आती है, तो they are not fallen down because they be giving the support to plant. Okay, support to plant. So roots fix the plant. ओके, एंड नेक्स्ट, रूट्स एब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स विच आर फ्रॉम द सॉइल. ओके, एंड विच आर द कंडीशन सपोर्ट द स्टेम एंड लीव्स. ओके, नेक्स्ट है रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल. अब रूट्स क्या करते हैं कि सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. ओके, सो व्हाट विल हैपन इन द अब्सेंस ऑफ द रूट्स इज रूट, जो भी सॉइल जो है वो क्या होगी कि जो वाटर फॉल होगा सो उससे क्या होगा कि वो कंप्लीटली इरोडेट होते जाएंगे. ओके, सो द प्लांट्स आल्सो प्रोवाइडिंग द होल्डिंग टू सॉइल. ओके,
the roots help in holding the soil together, thus preventing erosion. And that process is known as what? Erosion. यानी वो मिट्टी जो है वो बहके नहीं जाती उसके साथ में. Erosion are blowing away of the soil particle. Okay. और वो soil particles को भी बहके नहीं जाने देती. Okay. So these are the functions. What is the functions of the roots? It will give supports. Number one, it will give foods and water. Okay. And number third, it give support to soil. Okay. So this is about what? Parts of plants. Okay. So we will taking further parts in the next classes. Okay. So have a nice day. Bye bye. Take care.